सीधे लिए चलते हैं, आपको जनसभा को संबोधित कर रहे हैं रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की कर्ज माफी योजना से 10 साल में एक बार 50,000 करोड़ रुपया ये इने गिने किसानों के पास जाते थे। मोदी की जो योजना है वो किसान सम्मान योजना के तहत अभी का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अगले 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया, कहां 50,000 और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में बैंक में जमा होने वाले हैं। आप मुझे बताइए इससे किसानों का लाभ होगा कि नहीं होगा, कर्ज करने की मजबूरी से बाहर आएगा कि नहीं आएगा, फसल पक के समय उसको जो जरूरी चीजें हैं वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। सोचिए ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कितनी बड़ी मदद होने जा रही है। साथियों, कल ही देश के किसानों के लिए एक और अहम फैसला हुआ है जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आज अखबारों में कहीं कोने में छोटी मोटी खबर है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होना चाहिए। भाई और बहनों, अब तक देश के छोटे किसानों को बैंकों से बिना गारंटी 1 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज मिलता था। अब जो ताजा फैसला हुआ है उसके बाद देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। अब उन्हें बिना बैंक गारंटी ज्यादा कर्ज मिला करेगा। हमारी सरकार के प्रयास से सभी बैंकों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो भी चार्जेज बैंक लेते थे वो अब नहीं लिए जाएंगे। बैंकों को प्राप्त होने वाले चार्जेज जैसे प्रोसेसिंग फीस, दस्तावेज का चार्ज, खाते से जुड़ा चार्ज, इंस्पेक्शन का चार्ज, ये सभी शुल्क समाप्त कर दिए जा चुके हैं। मैं इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन को इस किसान हितैषी निर्णय के लिए बधाई देता हूं। भाई और बहनों, हमारी सरकार किसानों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके उसके लिए ब्याज दर में छूट के लिए जो राशि उपलब्ध कराई जाती थी उसे पिछले 5 वर्षों में 2 गुना किया जा चुका है। अब इस साल के बजट में फसली ऋण को बढ़ाकर 11,68,000 करोड़ रुपए किया गया है, यानी किसानों को खेती से जुड़ी अपनी जरूरतों के लिए अब ज्यादा राशि कर्ज के तौर पर मिलनी तय हुई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए है, गरीब के दर्द उसकी तकलीफ को समझने वाली सरकार है। बीते 4.5 साल में हमने लगातार कोशिश की है कि गरीब की जिंदगी आसान बने। सरकार के इन्हीं प्रयासों का असर है कि देश में गरीबी कम होना शुरू हुई है। भाइयों और बहनों, इसी कड़ी में इस साल के बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की गई है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।